आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग में। आज हम हिस्ट्री का, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे। हिस्ट्री अब डेली कंटिन्यू आपको वीडियो मिलती रहेंगी हिस्ट्री की, ठीक है। हिस्ट्री का आज फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और फर्स्ट टॉपिक में अपना आता है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान संस्कृतियाँ और संस्कृतियाँ या फिर सभ्यता है, ठीक है। सबसे पहले अपना राजस्थान का इतिहास। अब राजस्थान के इतिहास में जो ये नाम दिया राजस्थान, वो किसने दिया? कैसे कैसे राजस्थान का नाम आया? सबसे पहले तो हमें राजस्थान का नाम आया यही पता होना चाहिए, ठीक है ना सबको। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आएगा, इसका फर्स्ट पॉइंट आएगा, वो क्या आएगा? 1800 ईस्वी में। किसमें? 1800 ईस्वी में किसने? जॉर्ज थॉमस ने क्या किया था राजस्थान के लिए? क्या, कौन से शब्द का प्रयोग किया? राजपूताना। इन्होंने क्या किया था? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए? राजस्थान के लिए, ठीक है। और कब किया था? 1800 ईस्वी में किया था। किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया था। किस शब्द का प्रयोग किया? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। आया समझ? अब सेकेंड टॉपिक है, सेकेंड पॉइंट है, सॉरी। अब 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने तो राजपूताना शब्द का प्रयोग किया राजस्थान के लिए, लेकिन 1829 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में अब इतिहास के लेखक कौन है अपने? कर्नल जेम्स टॉड। इतिहास लेखक कौन है अपने? कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। ये दोनों पता होना चाहिए कि राजस्थान नाम और राजपूताना नाम कैसे कैसे आया, किसने दिया, ठीक है। लेखक कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड ने कौन सी, इनकी क्या है पुस्तक है, ने अपनी पुस्तक, अपनी बुक मतलब अपनी पुस्तक, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, ये इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया था? रायथन या अथवा राजस्थान का प्रयोग किया था। एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान में किस शब्द का प्रयोग किया था? रायथन या क्या कहेंगे, राजस्थान शब्द का इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था, इन्होंने ये नाम दिया था, ठीक है। देखो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना नाम दिया राजस्थान को, 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक है इनकी? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसमें क्या नाम दिया इनको? रायथान या राजस्थान। तो राजस्थान नाम कैसे कैसे पड़ा, ठीक है ना, आया समझ। अब आ जाता है अपना टॉपिक संस्कृतियां या क्या कहेंगे, सभ्यताएं। जो अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में मोस्ट चीज आएंगी वही कराऊंगी, एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। 100% इन्हीं में से आएगा, बाहर से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। सभ्यताएं या फिर संस्कृतियां भी बोल सकते हैं, सभ्यताएं। अब सबसे पहली सभ्यता है अपनी कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता कैसे कैसे नाम पड़ा, किसने खोज की, बस इसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्यादा अंदर से नहीं आएगा। अब आता है सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा, अब ये जो कालीबंगा है ना, इसका अर्थ क्या है इस टॉपिक का? कालीबंगा इस शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ है काली चूड़ियां, बंगा मतलब चूड़ियां, काली चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ क्या हुआ? काली चूड़ियां, ठीक है। अब ये जो स्थान पड़ता है कालीबंगा, ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है हनुमानगढ़ में, ठीक है। सबको समझ आ रहा है ना अच्छे से? कालीबंगा कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में। इसका स्थान हो गया कहां? हनुमानगढ़ में। और ये स्थान हनुमानगढ़ में पड़ता है, और ये किस नदी के किनारे है? अगर नदी आ जाए, नदी भी पूछ लेता है कभी कभी, नदी किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे है।
जिसको क्या बोलते थे, प्राचीन सरस्वती। प्राचीन में क्या बोलते थे, सरस्वती नदी, गग्गर नदी को। ये किस नदी के किनारे पड़ेगा, गग्गर नदी के किनारे। कमेंट करके बताना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अब जो कालीबंगा, इसका स्थान अर्थ बता दिया, इसका स्थान बता दिया कहाँ है, नदी हो गई कहाँ है। अब इसकी खोजकर्ता कौन है, इसका खोजकर्ता कौन है, ठीक है, इसका खोजकर्ता कौन है, अपना अमलानंद घोष। अब ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है नामों में, कहीं का कहीं नाम डाल के आते हैं। देखिए कालीबंगा अंक की मात्रा आ रही है, यहाँ पे भी अंक की मात्रा आ रही है, ऐसे करके याद रखना ये। अमलानंद घोष, और खोज कब की थी, 1952 में, ठीक है। कब हुई खोज, 1952 में, ठीक है। ये हो गई खोज अपने। अब उत्खनन करता, इसका उत्खनन किसने किया, अगर आ जाता है तो। अधिकतर तो खोज करता ही पूछता है, लेकिन कहीं कहीं उत्खनन करता बहुत बार पूछ लिया गया है। तो उत्खनन करता कौन है इसका, बीबी लाल थापर। एंड कौन है, बी के थापर। जब खोज पहले होगी तो उत्खनन तो बाद में ही होगा ना, तो इसका उत्खनन हुआ था 1961 में, ठीक है ना, आया सबको समझ। अब इसको, ये कालीबंगा सभ्यता है, इसको और क्या नाम बोलते हैं, क्या और किस नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। तो इसको जानते हैं अपने किस नाम से, हड़प्पा सभ्यता की। ये काफी बार क्वेश्चनों में पूछने को मिल जाता है, कभी कभी आ जाता है, क्वेश्चनों में पूछ लेता है, हड़प्पा सभ्यता की। किस सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की, इसको क्या बोलते हैं, तृतीय राजधानी। देखो क्या बोलते हैं इसको, हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी। स्टार्टिंग से देखिए, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियां होता है। ये कालीबंगा स्थान है, कहाँ पे है, ये हनुमानगढ़ में स्थित है, ठीक है। किस नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसको क्या बोलते थे, प्राचीन में सरस्वती बोलते थे। अब इसका खोजकर्ता आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, खोजकर्ता। अब खोजकर्ता याद नहीं रहता है, बहुत बच्चों को भूल जाते हैं, तो इसमें भी अंक की मात्रा है, इसमें भी अंक की मात्रा है, अमलानंद घोष, 1952 में हुई थी खोज, ठीक है। अब खोज पहले हो गई, उत्खनन इसका खुदाई बाद में होती है, तो बीबीलाल थापर एंड बीके थापर ने की थी। कब की थी, 1961 में। और इसको अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, कभी कभी इसको पूछ लेता है, इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी भी कहा जाता है इसको। किसको, कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। कालीबंगा का अर्थ मैंने लिखा ही दिया है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल ज्यादा तो आते नहीं है, पर एक दो एग्जाम्पल डाल लीजिए, सारे पेपरों में काम आता है, केबीएस, डीएसएसबी, एनबीएस, सारे एग्जाम्स में काम आता है, बीडीओ का हो, पटवारी का हो, किसी भी एग्जाम में, सब में सभ्यताएं तो आती ही है, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट डाल लीजिए, एक तो इसमें मिट्टी की बैलगाड़ी बहुत फेमस है, जो इस कहाँ से मिली है, इस सभ्यता से मिली है, ठीक है। और सेकंड टॉपिक डाल लीजिए अपना, ताम्र वृषभ, मतलब ये वृषभ प्रतिमा, ये कहां से मिला है, कालीबंगा सभ्यता से मिला है, ठीक है। ये जो ताम्र वृषभ प्रतिमा है ना, ये धातु प्रतिमा का प्राचीनतम उदाहरण है राजस्थान में। क्या है ये, राजस्थान में धातु प्रतिमा का प्राचीनतम उदाहरण है। स्टार लगा लेना इस पे, इससे ज्यादा यहाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें। सीधा सीधा अर्थ है, कालीबंगा सभ्यता अर्थ, काली चूड़िया, स्थान कहाँ पे पड़ता है, हनुमानगढ़ में, नदी कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है, खोजकर्ता अमलानंद घोष, 1952 में की, उत्खनन बाद में होता है, बीबीलाल थापर बी के थापर ने 1961 में की। इसको और क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी भी बोला जाता है, कालीबंगा को। और कालीबंगा सभ्यता से क्या क्या चीज प्राप्त हुई है, चीज तो बहुत प्राप्त हुई है, लेकिन जो मोस्ट है वो है मिट्टी की एक बैलगाड़ी प्राप्त हुई है, और ताम्र वृषभ प्रतिमा, इस पे तो दो तीन स्टार लगा लेना, ये क्या है, राजस्थान में धातु प्रतिमा का प्राचीनतम उदाहरण है, ठीक है। ये हो गया अपना कालीबंगा सभ्यता। अब रेगुलर क्लास आती रहेंगी फर्स्ट ग्रेड के लिए। अब सेकंड टॉपिक आ जाता है अपना, कौन सा, कालीबंगा हो गए, आहा
पहाड़ सभ्यता आ जाता है। जो मोस्ट है बस वो ही करना है, इससे बाहर नहीं करना है, क्योंकि सभ्यता में से एक दो क्वेश्चन कभी कभार आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं इसमें। आहार, आहार कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। ठीक है, स्थान कौन सा हो गया अपना? उदयपुर। स्थान उदयपुर हो गया। स्थान के बाद क्या लिखा था उसमें? नदी। अब नदी कालीबंगा किस नदी के किनारे था? गग्गर नदी के किनारे। आहार किसके किनारे है? बनास बेड़स नदी के किनारे। ठीक है, बनास बेड़स नदी के किनारे। अब फर्स्ट सेकंड टॉपिक हो गए, अब डालते हैं खोजकर्ता। अब इसका खोजकर्ता कौन था? कालीबंगा अंक की मात्रा थी, तो क्या हो गया उधर? अमलानंद घोष। आहड़, आ से स्टार्ट हो रहा है इसमें, तो ऐसे याद रखना, अक्षर कीर्ति व्यास। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता की खोज हुई थी 1952 में और इसकी खोज हुई है 1953 में। ठीक है, खोजकर्ता के बाद आता है अपना उत्खननकर्ता। उत्खननकर्ता, कालीबंगा का उत्खननकर्ता कौन था? बीके लाल थापरण। बीके थापर था, बीबी लाल एंड बीके थापर। अब इसका आहार सभ्यता का उत्खननकर्ता कौन है? एच सी सांकलिया और आर सी अग्रवाल। ये बहुत कम आते हैं, ये जरूर आ सकता है आर सी अग्रवाल, लेकिन ये सब पेपरों में काम आएंगे तो लिखना तो जरूरी है ही। और ये आहार सभ्यता को और किस किस नाम से जान, हम अन्य किस नाम से जानते हैं? आहार सभ्यता को आहार नाम से तो जानते ही हैं, लेकिन ये बनास नदी किनारे, तो क्या नाम से जानेंगे इसको? बनास। किस नाम से जानेंगे? बनास संस्कृति के नाम से जानेंगे। ठीक है, और धूलकोट किस नाम से जानेंगे? थर्ड पॉइंट है, धूलकोट नाम से जानेंगे। और क्या, किस नाम से जानेंगे? ताम्रवती, क्योंकि यहाँ पे ताम्र के, जो ताम्र के क्या कहते हैं, बर्तन कह लो या फिर ताम्र की जो, मतलब बहुत सारी चीजें मिली हैं, उपकरण मिले हैं। ठीक है, तो ताम्रवती। ठीक है, इनके ये क्या नाम है? अन्य नाम है किसके? आहार सभ्यता के। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या मिला है? ताम्रवती नाम क्यों दिया है इसको? सबसे अधिक, मतलब सर्वाधिक मात्रा में क्या मिला है यहाँ पे? सर्वाधिक मात्रा में ताम उपकरण मिले हैं। ठीक है, इसके कारण इसको क्या नाम बोलते हैं? ताम्रवती भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल में डाल लीजिए क्या क्या मोस्ट है इसमें, क्या क्या मिला है। देखो, फर्स्ट तो डाल लीजिए लाल, भूरे और क्या मिले हैं? काली मिट्टी के बर्तन। उदयपुर में बहुत पाई जाती है मिट्टी, मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ये एक तो मोस्ट है। और सेकंड है अनाज रखने के क्या मिले हैं? मृदभांड। अगर आ जाए अनाज रखने के मृदभांड कहां से मिले हैं? तो अपने आहार सभ्यता से मिले हैं अनाज रखने के मृदभांड। और अनाज रखने के जो मृदभांड होते हैं ना, अपने गांव में यूज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कोठे बोलते थे ना, कोट। और क्या बोलते हैं? गोरे। गोरे, कोट, इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है। अपनी आहार सभ्यता हो गई। कालीबंगा सभ्यता कराई थी, वो कहां थी? हनुमानगढ़ में थी और किस नदी के किनारे थी? घग्गर नदी के किनारे थी। ठीक है, जिसको क्या बोलते थे प्राचीन में? सरस्वती बोलते थे। खोज किसने की थी उसकी? कालीबंगा की खोज किसने की थी? अंक की मात्रा लग रही है ना, तो अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता कौन थे उसके? बीके लाल एंड बीके थापड़ थे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है अपना आहार सभ्यता। आहार सभ्यता ये कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। नदी कौन सी है? बनास बेड़स नदी के किनारे स्थित है। अन्य नाम क्या है इसकी? बनास नदी के किनारे होने के कारण बनास। ठीक है, ताम्र के उपकरण अधिक मिले तो ताम्रवती और धूलकोट। ठीक है, खोज करता इसके, हाँ देखो पहला वर्ड आ रहा है तो अक्षर कीर्ति व्यास, 1952 में कालीबंगा की हुई, यहाँ हुई 1953 में। उत्खनन करता है ऐसी साकलिया, आरसी अग्रवाल, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वाधिक मात्रा में क्या मिले हैं? ताम्र उपकरण मिले हैं। ठीक है, और ये एग्जाम्पल यहाँ पे दो डाल लेना, लाल भूरे काली मिट्टी के बर्तन यहाँ से कहाँ से प्राप्त हुए? आहार सभ्यता से। और अनाज रखने के मृदभांड प्राप्त हुए, जिनको क्या कहते हैं हमें, बोलते हैं ना अपने गोरे एंड कोट। ठीक है, सबका हो गया वन नोट। सेकंड दो सभ्यताएं हो गई, ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन आएगा यहां से।
इतना डीप नहीं देंगे इसमें। थर्ड सभ्यता आ जाती है कौन सी अपने, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, कौन सी सभ्यता आ गई, गणेश्वर सभ्यता। अब गणेश्वर सभ्यता इसका स्थान कहां पे स्थित है, ये नीम का थाना, और नीम का थाना अपना कहां पे है, राजस्थान सीकर में है। कहां पे है, सीकर में, नीम का थाना पे है, कहां पे है, सीकर में। सेकंड टॉपिक अपना क्या आता था, नदी। अब नदी यहां पे कौन सी नदी है, कांतली नदी, याद करते जो कालीबंगा में घग्गर नदी थी, आर सभ्यता में क्या थी, बनास बेड़स नदी थी, और इसमें कौन सी नदी है, कांतली नदी। ठीक है, भूलना मत कहीं से भी। अब आता है इसका खोजकर्ता, इसमें क्या है, खोजकर्ता उत्खननकर्ता एक ही है, इन्होंने ही इनका उत्खनन किया, इन्होंने ही इसका खोज की इनकी। ठीक है, और इसके कौन है, आरसी अग्रवाल, मतलब रतन चंद्र अग्रवाल। आज थोड़ी तबीयत सही नहीं है इसलिए ऐसा गला हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, और गणेश्वर सभ्यता को, ये कौन सी सभ्यता है, पूर्व हड़प्पा कालीन, मतलब हड़प्पा से पहले की सभ्यता है ये, इसको याद रख लेना। पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता कौन सी है अपनी, गणेश्वर सभ्यता है। और जो कालीबंगा सभ्यता थी उसको क्या कहते थे, हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी कहते थे कालीबंगा को। गणेश्वर सभ्यता हड़प्पा से पहले की सभ्यता है, इसको बोलते हैं तो पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है ये। ठीक है, और यहाँ से अधिकतर क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से मृद पात्र प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं गणेश्वर सभ्यता से, मृद पात्र प्राप्त हुए हैं। और ये कैसे, क्या कहलाते हैं मृद पात्र, कृपशपर्णी। ये वाला टॉपिक है, इस पे लगा लेना स्टार, कृपशपर्णी क्या कहलाते हैं, मृद पात्र कहलाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा इसमें। गणेश्वर सभ्यता कौन सा स्थान है, कहाँ पे है गणेश्वर, नीम का थाना सीकर में। नदी कौन सी है यहाँ पे, कांतली नदी किनारे। खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन है, आर सी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, आर गणेश्वर, एंड आर पे हो रहा है। और उत्खननकर्ता कौन है, आर सी अग्रवाल। कालीबंगा सभ्यता थी वो हड़प्पा सभ्यता की क्या थी, तृतीय राजधानी थी, ये पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता है। और यहाँ से मृद पात्र प्राप्त हुए हैं, जो कैसे हैं, कृपशपर्णी मदर, वो मृद पात्र कहलाते हैं। ठीक है, अब फोर आ जाती है, गणेश्वर सभ्यता हो गई, फोर्थ आ जाती है अपनी बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता, अब बैराट सभ्यता ये स्थान, ये कहां पे है, ये कहां पड़ती है अपने, जयपुर में। बैराट, बैराट कौन सी जगह पड़ती है, कौन सी जगह सभ्यता पड़ती है, जयपुर में। और सेकंड टॉपिक अपना क्या आता था, नदी, नदी किस नदी के किनारे पड़ती है, बाण गंगा। कौन सी नदी बहती है यहाँ, बाण गंगा। ठीक है, अब इसकी खोज, खोजकर्ता आ जाता है, इसका खोजकर्ता आ जाता है, तो आ जाता है किसने की, कैप्टन वर्ट ने। किसने की, कैप्टन वर्ट ने की थी खोज, और कब की थी ये, 1837 में। कब की थी, 1837 में। किसने की, कैप्टन वर्ट ने की। बहुत बार आ जाता है, डबल स्टार लगा लेना। ठीक है, और इसका उत्खनन करता कौन रहा है, उत्खनन करता कौन रहा है इसका, इसका उत्खनन करता रहा है दयाराम सहानी। इसमें दो तीन आते हैं लेकिन मोस्ट यही है, दयाराम सहानी। ठीक है, बैराट सभ्यता स्थान कहाँ पे, जयपुर में है। नदी कौन सी पड़ती है, वाणगंगा। खोजकर्ता कौन है, कैप्टन बर्ड। कब हुई थी, 1837 में। ठीक है, अपने कालीबंगा पड़ी थी, खोज हुई थी 1952 में। उसके बाद आर सभ्यता पड़ी थी, खोज हुई थी कब, 1953 में। गणेश्वर सभ्यता पड़ी थी, कब हुई थी, आर सी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, और उसमें डेट नहीं दे रखी थी। ठीक है, अब उत्खनन कार्य जो ये उत्खनन करता है दयाराम सहानी, अब इसमें एक चीज और आ जाती है कि ये उत्खनन करता है कि उत्खनन कार्य हुआ कहाँ कहाँ पे था, इस स्थान में बैराट सभ्यता में जो उत्खनन हुआ वो कहाँ कहाँ हुआ था,
तो उत्खनन कार्य लिख लीजिए कहाँ कहाँ हुआ था, बीजक की पहाड़ी पर। ये कहाँ पड़ती है, सारी जयपुर में ही पड़ेंगे ना, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, ठीक है, भीम जी की डूंगरी, मोती डूंगरी, गणेश जी का मंदिर है ना यहाँ पे, मोती डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, ये भी यहीं पड़ता है मोती डूंगरी के पास। ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उत्खनन कार्य होता है। क्या होता है, उत्खनन कार्य। बैराट सभ्यता में इस जगह पर उत्खनन कार्य होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल में डाल लीजिए यहाँ से क्या चीज मिली है, मिले तो यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं, देखो महाभारत के काल के अवशेष भी मिले हैं यहाँ से, ठीक है, मौर्य काल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से, काफी सारी चीजें यहाँ से मिली हैं और काफी मुद्राएं भी मिली हैं, जैसे 36 प्रकार की मुद्राएं हैं मिली हैं, लिपि भी मिली है, ठीक है। तो इसमें जो फेमस चीज है या जिसको बोलते हैं कि अधिकतर क्वेश्चनों में आता है, तो वो आता है काले चमकीले मृदभांड मिले हैं यहाँ से। क्या मिला है, काले चमकीले मृदभांड कहाँ से मिले हैं, ये अपने कौन सी सभ्यता से मिले हैं, बैराट सभ्यता से, ठीक है। मिला तो बहुत सारा सामान है यहाँ से, प्रागैतिहासिककालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं आपके, ठीक है, और आपके लिपियां भी मिली हैं, ठीक है, मुद्राएं भी मिली हैं, मौर्यकालीन अवशेष मिले, बहुत सारे आइटम यहाँ से मिले हैं। लेकिन जो फेमस है वो है अपने काले चमकीले मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अपने बैराट सभ्यता से। क्या प्राप्त हुए हैं, काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और जब सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, कालीबंगा सभ्यता, वहां पे एक पढ़ा था हमने ताम्र वृषभ प्रतिमा, जो क्या था अपना राजस्थान की, क्या था अपना राजस्थान में धातु प्रतिमा का क्या था, वो प्राचीनतम उदाहरण था, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन आता था अपना आहार सभ्यता, आहार सभ्यता में क्या मिलता था, लाल भूरे काली मिट्टी के बर्तन मिले थे, ठीक है ना, अनाज रखने के मृदभांड मिले थे जिनको गोरेवा कोट कहते थे, ये सारी चीजें।